पीजी, वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बीएड की क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं, और आपको एक विशेष सूचना ये देते हैं कि यदि आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका ये पेपर वन ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। ये आप अभी इंडियन फिलोसफर्स पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद में आपको कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे प्लेटो, रूसो हो गए, फ्रॉबेल होंगे, और उसके बाद में आपका पेपर वन कंप्लीट हो जाएगा। लगभग दिवाली भी आपकी फिनिश हो जाएगी, यानी फेस्टिवल सीजन भी एंड हो जाएगा, और फिर हम लोग अपना प्रॉपर तरीके से दो सब्जेक्ट की क्लासेस पेपर टू और थ्री के शुरू कर देंगे, है ना। और एक विशेष सूचना ये कि बार बार जो बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि मैम ये बता दीजिए कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। देखिए, जहाँ आप हैं वहीं हम भी हैं, है ना। ऐसा कहने कि मुझे चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, पता चल जाती हैं, लेकिन वो तब पता चलती हैं जब उसका ऑफिशियली कुछ भी सिलेबस या कोई पीडीएफ आता है ना। मैं अभी आपको अपने अंदाजे से, देखिए ये तो एक तरीका है, मैं चाहूँ तो इस टॉपिक पे कम से कम दो चार वीडियो बना लूँ, बढ़िया 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज़ भी आ जाएंगे, लोग भी देखेंगे, उसमें मैं बढ़िया से कुछ भी बता दूँ, कोई मुझे मेरे पर क्लेम तो नहीं कर देगा आके। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ भी अनऑफिशियली चीज़ें पता चले, और एक समय के बाद में आपका भरोसा टूट जाएगा उस चैनल से यदि बार बार वो यही करेंगे, अगर हम यही करेंगे तो। बस मैं, मेरा आपसे यही कहना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस करिए, जैसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव की बात है तो आपको जैसा पता है पहले क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था, सिर्फ इसी बार कोविड की वजह से ये पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ। तो यदि अनुमान के बेसिस पे बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव तभी होगा जब कोरोना की वेव आएगी या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, सोचिए, है ना, खतरनाक चीज़ें, वरना क्या होगा, सब्जेक्टिव ही होगा, ठीक। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी ऑफिशियली आ जाता है, सिलेबस या पीडीएफ या कुछ भी ऐसा, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। फिलहाल आप सब्जेक्टिव मान के पढ़िए, जब सब आप सब्जेक्टिव मान के पढ़ेंगे तो पूरा पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। और फिर जब आप एक बात सोचिए, अच्छा आप हमें आज एक बात बता ही दीजिए कि जब आप अपना कोई टॉपिक पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम आपसे चाहे जैसे जितने क्वेश्चंस पूछ लें आप सब बता लेंगे। तो आप इस बात से क्यों डर रहे हैं कि मैम पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। आप सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सोचिए, जैसे आज हम आपको रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक। अब रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में जब हम आपको पूरा सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे तो चाहे वो उनका सन पूछे, चाहे वो उनके माता जी का नाम पूछे, चाहे पिता का नाम पूछे, ठीक, तो आप तो सब बता देंगे ना। तो क्यों टेंशन ले रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले जीवन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अर्थात 6 मई सन 1861 ईस्वी को जोड़ा सांको कलकत्ता के सम्मानित परिवार में रवींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम शारदा देवी था और पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। रवींद्रनाथ जी की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिस कारण उनका पालन पोषण उनके पिता के संरक्षण में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय से अधिक घर पर हुई थी। सन 1878 में टैगोर उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए। सन 1880 में ये स्वदेश लौट आए। सन 1884 में रवींद्रनाथ का विवाह मरणलिनी देवी जी के साथ हुआ, किंतु शीघ्र ही सन 1920 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सन 1901 ईस्वी में टैगोर ने कहाँ पर, बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज, जिसे आज किस नाम से जान रहे हैं, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जो प्रसिद्ध है। महान कवि एवं साहित्यकार के रूप में टैगोर की ख्याति देश की सीमाओं को पार कर गई। सन 1913 ईस्वी में टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके बाद टैगोर ने अनेक देशों का भ्रमण किया और संपूर्ण विश्व को भारतीय प्रेम तथा सौहार्द का संदेश दिया। 7 अगस्त 1941 को जोड़ा सांको के पैतृक आवास में इस महान कवि, साहित्यकार, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री का देहांत हो गया। अब देखिए, आपने इतना पढ़ा, अब आपको इसको अपने नोट्स में कैसे लिखना है, या आप एक रजिस्टर लीजिए, वहाँ पे आपको कैसे लिखना है, रवींद्रनाथ टैगोर यहाँ पे डालना है जन्म, पिता का नाम यहाँ पे डालना होगा, माता का नाम, मृत्यु, और उसके नीचे यहाँ जगह नहीं है, इधर देख दिखा दे रहे हैं आपको, शिक्षा, बस बात खत्म। ये आपका पूरा जीवन वृत्त यानी स्केच, लाइफ स्केच कंप्लीट। तो आप अपने नोट्स को बस शॉर्टली बनाइएगा कि पेपर टाइम पे आप बस उनको सिर्फ पन्ना, जैसे बोलते ना पन्ना पलट रहे हैं, है ना, बस पेजेस पलटिए और समझ में आ जाए आपको, है ना, वन लीनियर नोट्स जिन्हें आप कहते हैं, ठीक।
बाकी जब आप इतना पढ़ रहे हैं तो लिख बहुत प्रॉपर तरीके से रहेंगे। एक क्लास है मेरी स्वामी विवेकानंद जी की, जो आपकी पहली क्लास रही है इंडियन फिलोसफर की, वो ज़रूर देखिएगा। वो मैं पिछले बार भी यही बोल के गई थी आपसे कि वो ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अल्टीमेटली वो क्लास बहुत ही अच्छी रही और वो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जो आप किसी भी फिलोसफर के अनुसार उन बातों को एकदम सेम वैसे जोड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए रवीन्द्रनाथ टैगोर का कुछ जीवन दर्शन पढ़ लेते हैं ना, उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में, कि रवीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन उच्च कोटि तथा मानवतावादी कहा जा सकता है। टैगोर जी का मानना था कि संवेगों एवं स्थायी भावों का दमन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास किया जाना चाहिए। टैगोर जी की विश्व बोध दर्शन की तत्व मानता, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार इस सृष्टि का बीज रूप निराकार है और प्रकृति रूप में साकार है। इस सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं और टैगोर जी का यह भी मानना है कि ईश्वर अपने आप में जितना सत्य एवं शाश्वत है उतना ही सत्य एवं शाश्वत ईश्वर द्वारा निर्मित या प्रकृति है। वे ईश्वर को कणकण में देखते थे। आत्मा के तीन रूपों को टैगोर जी ने स्वीकार किया। कौन कौन से तीन रूप, ये आपको एज इट इज याद होने आने चाहिए। अभी तुरंत मेरे साथ याद करिए। पहला, मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु प्रवृत्त। दूसरा, ज्ञान विज्ञान की खोज एवं अनंत ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा, स्वयं के अनंत रूप को समझने हेतु प्रवृत्त। आत्मानुभूति एवं आत्मसंतुष्टि को टैगोर जी जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते थे। टैगोर जी मानव जीवन के सिर्फ दो पक्ष को मानते थे, पहला भौतिक पक्ष और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष, यानी फिजिकल और स्पिरिचुअल। अब देखिए टैगोर जी के विश्व बुद्ध दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा की यदि बात की जाए तो टैगोर जी भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दोनों के ही समान महत्व देते थे। उनका मानना था कि केवल भौतिक संसार के उपासक अंधकार में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जो सिर्फ ब्रह्मा ज्ञान में लीन रहते हैं वे भी अंधकार जीवन में व्यतीत करते हैं। टैगोर जी का मानना था कि भौतिक ज्ञान उपयोगी ज्ञान है और आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग प्रेम मार्ग है। टैगोर जी के अनुसार संसार की समस्त वस्तुओं एवं जीवों में एकात्म भाव ही परम एवं अंतिम सत्य है। प्रेम के माध्यम से ही मानव में संवेदना जागृत होती है और वह एकात्म भाव की अनुभूति करता है। अब देखिए टैगोर जी के विश्व बोध दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानते थे। टैगोर जी मनुष्य में भौतिक एवं आध्यात्मिक गुणों की समान सहभागिता मानते थे। वे मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास पर बल देते थे। टैगोर जी का मानना था कि प्रेम ही वह भावना है जिसे मनुष्य के भौतिक जीवन को सुखमय एवं आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता लाई जा सकती है। प्रेम के रहस्य को समझकर इसे जीवन का मूल आधार बनाकर मानव की सेवा करना चाहते थे। अब देखिए ये इतनी इजी हिंदी है कि मैं इसमें क्या ही डिस्क्राइब करूं, है ना। तो आप बस केवल कंसंट्रेट होकर के मुझे सुनिए, जिससे आपके अंदर शब्दकोश भी एक कहते ना एक अलग लेवल के हो जाए और साथ में जब आप लिखने चले तो आपको कमी ना महसूस हो, है ना। आपके एक बार पेन शुरू हो जाए तो लगे कि ये फटाफट से कंप्लीट करें, जल्दी नेक्स्ट आंसर पे जाएं क्योंकि वो मुझे और अच्छे से लिख सकते हैं। तीसरा आंसर तो हम बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, एग्जामिनर नंबर कैसे कटेगा हमारे, है ना। तो कुछ ऐसा भाव आ जाना चाहिए अब तक पढ़ते पढ़ते आपके अंदर। अब देखिए कुछ शैक्षिक दर्शन के बारे में जानते हैं कि टैगोर के जीवन दर्शन के विकास में जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा उन्हीं तत्वों का प्रभाव उनके शिक्षा दर्शन के विकास में भी पड़ा। उनके शिक्षा दर्शन का उनके जीवन दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। परिवार के प्रभाव के अतिरिक्त टैगोर की शिक्षा दर्शन पर पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों जैसे कौन कौन से, रूसो, फ्रोबेल, ड्यूवी तथा पेस्टोलॉजी, इन चारों की आपको जैसे आप ये सब के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पूरा पूरा है ना, पूरी पूरी फिलॉसफी, वैसे इन सब के बारे में भी पढ़ना है आपको, आदि के विचारों का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का पर्याप्त ज्ञान कर लिया था, जिनका पर्याप्त प्रभाव इनके शिक्षा दर्शन पर पड़ा। अनुभवों द्वारा उन्होंने शिक्षा के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने समय की शिक्षा पद्धति के दोषों का अध्ययन किया। इस प्रकार स्वयं के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही टैगोर विश्व के महान शिक्षा शास्त्री बने। अब देखिए शिक्षा का अर्थ इनके अनुसार क्या था कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है कि संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं, इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी सभी शक्तियां विकसित होती हैं और पूर्णता के उच्चतम बिंदु तक पहुंचती हैं। इसी को टैगोर ने मनुष्य तत्व कहा है। शिक्षा मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक,
आध्यात्मिक और धार्मिक विकास करती है। टैगोर ने शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श सा विद्या या विमुक्तये को भी स्थान दिया है। ठीक, अब शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे, जिसमें पहला आपका क्या था, शारीरिक शिक्षा। इनके अनुसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। बालक को शारीरिक विकास विभिन्न अंगों एवं और इंद्रियों, देखिए शारीरिक विकास स्वस्थ और स्वाभाविक विकास के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों और इंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। उनके अनुसार पेड़ों पर चढ़ने, तालाब में डुबकियां लगाने, फूलों को तोड़ने और बिखेरने की प्रकृति माता के साथ नाना प्रकार की शैतानियां करने से बालकों के शरीर का विकास, मस्तिष्क का आनंद और बचपन के स्वाभाविक आवेगों की संतुष्टि होगी। अब मानसिक विकास पर भी इन्होंने बल दिया। क्या कहा कि शिक्षा का कार्य बालक को वास्तविक जीवन की बातों, स्थितियों और वातावरण से परिचित कराकर उसके मस्तिष्क का विकास करना है। मानसिक विकास के लिए टैगोर ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया है और प्रकृति तथा जीवन के प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की यदि बात करें तो देखिए क्या बताया कि टैगोर ने शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया और व्यक्ति के आंतरिक विकास की शिक्षा का एक उद्देश्य माना है। टैगोर के अनुसार अध्यापक का क्या कार्य होना चाहिए कि वह बालक को धैर्य, शांति, आत्म अनुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता और आंतरिक ज्ञान के मूल्यों से परिचित कराकर उसका नैतिक और आध्यात्मिक विकास करे। अब बात करते हैं सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास क्या, कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अपने अंदर सामाजिक गुणों को विकसित करके बालक स्वयं और समाज की प्रगति में सहयोग कर सकता है। वे संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना के विरुद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक है। शिक्षा के द्वारा बालक में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा पेन चेंज करते रहेंगे वीडियो, जिसमें और अच्छा लगे देखने में क्लास। सामंजस्य की क्षमता का विकास, टैगोर के अनुसार बालकों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियां, सामाजिक स्थितियां और वातावरण की जानकारी कराना तथा उनसे अनुकूलन कराना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत कुछ सिद्धांत हैं, तो आइए जानते हैं क्या कि प्रकृति की गोद में शिक्षा, यानी कि बालकों को शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति के वातावरण में होनी चाहिए। प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित करने में बालकों को आनंद का अनुभव होता है। मनुष्य की पूर्णता की शिक्षा, यानी कि टैगोर के अनुसार वास्तव में मानव जातियों में स्वाभाविक अंतर होते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना है और सम्मानित करना है, और शिक्षा का कार्य इन अंतरों के होते हुए भी एकता की अनुभूति कराना है, विषमताओं के होते हुए भी असत्य के बीच सत्य को खोजना। डॉक्टर मुखर्जी जी ने कहा कि इस एकता के सिद्धांतों को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर टैगोर ने उसे पूर्णता के साथ सिद्धांत में बदला है। इन्होंने शरीर की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, आत्मा की शिक्षा तथा आत्म अभिव्यक्ति की शिक्षा में जो एकता स्थापित की है, उसके द्वारा मनुष्य तत्व की पूर्णता के लिए प्रयत्न किया है। शिक्षा में स्वतंत्रता, तो इन्होंने कहा कि जहाँ स्वतंत्रता नहीं, जहाँ विकास नहीं, जहाँ जीवन नहीं, वहाँ जीवन नहीं। इसलिए शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन पर कम से कम प्रतिबंध लगाने चाहिए। स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता के द्वारा अनुभव की पूर्णता टैगोर के आदर्श शिक्षा का हृदय और आत्मा है। बालक का चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास, यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा, अब एक बात बताइए आप कि आपको क्या चाहिए। देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक लाइन पढ़ा रही हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या है, हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपका। ठीक, और मे बी आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो आप ये PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, और जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम इजी नोट से पढ़ाई करें कि बुक से पढ़ें, देखिए अभी आपके पास समय है और आप बुक्स खरीद सकते हैं, आराम से उन्हें कंप्लीट भी कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है, है ना। और अगर आपके पास मान लीजिए समय कम है और फिलहाल अभी इजी नोट्स मार्केट्स में ये जो चीज़ें हो रही है ना पेपर टाइम पे पढ़ने वाली, अभी अवेलेबल भी नहीं है, है ना। तो देखिए कलात्मक शक्तियों का विकास, ज़्यादा कुछ होगा तो कुछ एक वीडियो बना देंगे कि कौन सी बुक पढ़ ले या जो आपके लिए थोड़ा सा बहुत फ़ायदेमंद हो। ठीक, देखिए शिक्षा के द्वारा बालकों में संगीत, अभिनय तथा चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति की शिक्षा, बालकों को शिक्षा के द्वारा भारतीय समाज की पृष्ठभूमि और भारतीय संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। सामुदायिक जीवन की शिक्षा, टैगोर ने कहा कि शिक्षा को गतिशील एवं
संजीव तभी बनाया जा सकता है जबकि उसका आधार व्यापक हो और समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध हो। बालकों को सामाजिक सेवा के अवसर मिलने चाहिए जिससे उनमें स्वशासन तथा उत्तरदायित्व के भाव विकसित हो सके। प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान, टैगोर का कहना है कि पुस्तक के स्थान पर जहाँ तक संभव हो सके बालक को प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सामाजिक आदर्शों की शिक्षा, शिक्षा के द्वारा बालक को सामाजिक आदर्शों, परंपरा और रीति रिवाजों और समस्याओं से अवगत कराया जाना चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता प्रयास द्वारा शिक्षा, उसके बाद में शिक्षा के द्वारा बालकों को इस प्रकार का अवसर दिया जाने चाहिए कि वह स्वतंत्र प्रयासों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके। रटने की आदत का अंत इन्होंने बताया क्या कि तोता जैसे रट्टू तोता नहीं बनो, क्या कहा कि बालकों को रटने के लिए बाध्य ना किया जाए, यथासंभव शिक्षण विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, है ना। अब यदि पाठ्यचर्या की बात करें तो टैगोर जी ने तत्कालीन पाठ्यचर्या को दोषयुक्त बताया और एक व्यापक क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या की रचना की। इन्होंने पाठ्यचर्या में इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक अध्ययन, साहित्य, भाषा, सांस्कृतिक विषयों को शामिल करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पाठ्यचर्या में कृषि कार्य, वस्तुओं का संग्रह, नृत्य, बागवानी, अभिनय तथा नाटक आदि को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षण विधि क्या थी इन मैटर्स ऑफ टीचिंग यदि बोले तो सबसे पहले प्रचलित पाठ्यचर्या की भांति टैगोर ने नीरस और अरुचिकर शिक्षण विधियों की आलोचना की है। वे शिक्षण विधियों को बालक की रुचि के अनुसार, आवश्यकता अनुसार तथा आवेगों के अनुसार निर्धारित करना चाहते थे, जो निम्न है। पहला, क्रिया विधि। बालक जो भी शारीरिक क्रिया करता है उसका शरीर तथा मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बालक को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए। शारीरिक क्रिया को महत्व देने के कारण उन्होंने शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, पेड़ पर चढ़ना, कूदना, हंसना, चिल्लाना आदि क्रियाओं पर स्थान दिया है। प्रत्यक्ष विधि में यदि बात की जाए तो इनमें उन्होंने कहा कि वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से जो छात्रों के सम्मुख उपस्थिति है उससे उनकी निरीक्षण तथा तर्क शक्ति विकसित होती है। स्व अध्याय एवं प्रयोग विधि, यानी कि सेल्फ उनको पढ़ना चाहिए और उनको ना प्रैक्टिकल्स करके देखने चाहिए। वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि, ये तो सबको पता है, इन्होंने डिबेट्स और क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा फोकस किया। अब इनके अनुसार टीचर का क्या रोल होता है, देखिए टैगोर का मानना था कि शिक्षा का यह पुनीत कार्य केवल शिक्षक द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षक के कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों पर भी जोर दिया। अध्यापक को पुस्तकीय ज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए, उसे बल की पवित्रता उसे बालक की पवित्रता तथा व्यक्तिगत स्नेह में विश्वास करना चाहिए। अध्यापक को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिनमें बालक प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसे आप उसे कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए जो आप उसे पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप उसे क्या पढ़ा रहे हैं, एडिशन। किसी एक बालक को आपको एडिशन सिखाना है, अब आप उसे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं 2 + 3 = 5, या आप मान लीजिए और अच्छी विधि अपना रहे हैं, अपने कहा 2 है तो 2 डंडी खींच दो, 3 है तो 3 डंडी खींच दो, बच्चों अब इनको जोड़ो तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए भाई। अब अगर ये चीज़ ना बता करके आप बच्चे को क्या बताओ कि आपके पास 2 टॉफीज थी और आपकी सिस्टर के पास भी 3 टॉफीज थी, तो आप अगर आप दोनों की टॉफी मम्मा ले लें, है ना, तो आप दोनों शैतानी कर रहे थे, तो आपकी टॉफी आपसे और आपकी दीदी से मम्मा ने ले ली, तो मम्मा के पास अब कितनी टॉफी हो गई। तो बच्चा इस चीज़ को ऐसे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, क्यों, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख रहा है ना उस चीज़ को, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम शैतानी करेंगे तो मम्मी हमसे ये ले सकती हैं, वो ले सकती हैं। ये तो छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हम कह क्या रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या बताया कि अध्यापक, क्योंकि आप भी भावी शिक्षक होने वाले हैं तो आपको भी ऐसे ही शायद पढ़ाना पड़े, है ना, तो बताया कि जब बालक है तो उसको आप कुछ ऐसा सिखाइए जो वो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हो, मतलब जो वो चीज़ें डेली लाइफ में देख रहा हो, एनालिसिस कर रहा हो। अब शिष्य यानी स्टूडेंट का क्या रोल होता है, तो देखिए छात्रों के संबंध में टैगोर जी का कहना था कि छात्र अपनी शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करें। उन्होंने छात्रों में विनम्रता, अनुशासन, आंतरिक बल, आत्मानुभूति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विचारों की स्वतंत्रता आदि गुणों की कल्पना की। वे छात्रों के स्वाभाविक विकास के पक्षधर थे, वे छात्रों के प्रकृति के संपर्क में रखना चाहते थे, यानी नेचर से जुड़ा हो बच्चा। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, टैगोर ने लिखा कि बालकों को कठोर दंड देते हुए देखकर मैं शिक्षक को ही दोषी पाता हूँ। टैगोर ने अनुशासन को एक नैतिक मूल्य या आदर्श माना है, ये अंधी आज्ञारिकता
तक ब्रह्म बाह्य व्यवस्था को अनुशासन नहीं मानते। अनुशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि वास्तविक अनुशासन का अर्थ क्या है, जान लीजिए आप लोग भी कि अनुशासन क्या है। अपरिपक्व एवं स्वाभाविक आवेगों की अनुचित उत्तेजना और दिशाओं में विकास से सुरक्षा। स्वाभाविक अनुशासन की इस स्थिति में रहना छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है या उनके पूर्ण विकास में सहायक है। टैगोर ने अपनी शिक्षा योजना में स्वाभाविक अनुशासन को अत्यंत महत्व प्रदान किया। अब देखिए, यदि शांति निकेतन की बात की जाए, शांति निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती है, जो कलकत्ता से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता श्री देवेंद्रनाथ जी ने की थी। देवेंद्रनाथ जी अपनी साधना के लिए एक शांत स्थान की खोज में थे, जो शहर के कोलाहल से दूर है। इन्होंने शांत स्थान पर वृक्ष रोपण करके उसका नाम निकेतन रखा। सन 1901 में विश्व भारती की नींव रखी गई। उस समय इसमें के 6 छात्रों के साथ शुरुआत की गई। टैगोर प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की विशेषताओं की ओर आकृष्ट थे तथा वैज्ञानिक प्रगति हेतु अपने विद्यालयों में विद्यार्थी को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। उनका मानना था कि छात्र जब तक स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता है, उसे आनंद अनुभूति नहीं होती। अध्यापक और प्रेरणादायक के रूप में होता है, यानी कि अध्यापक जो टीचर होता है वो क्या होता है, मोटिवेटर होता है। टैगोर प्रकृतिवादी होने के कारण छात्रों को प्रकृति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अनुयायी थे। इनके विद्यालय में गुरु का निर्देश पाते ही छात्र वृक्ष के नीचे वृक्ष की शास्त्रीय परीक्षा अनुसार पढ़ाई करते थे। शिक्षक एवं छात्र परस्पर एक परिवार की तरह रहते थे, है ना। उसके बाद में देखिए, विश्व भारती के विभिन्न विभागों को भवन कहा जाता था तथा इन भवनों का अलग एवं विशिष्ट नाम भी थे, जैसे पाठ भवन। इसमें क्या होता था, इसमें केवल मैट्रिक तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी, है ना। शिक्षा इसकी माध्यम जो था, जैसे जो मीडियम था वो क्या था, बंगला भाषा। अब शिक्षा क्या था, तो शिक्षा विभाग इंटर तक की शिक्षा का विभाग है। इसमें बंगला के साथ साथ अंग्रेजी, साहित्य, हिंदी, तर्कशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, गणित, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसी तरह एक भवन होता था जिसे आप क्या कहते हैं, विनय भवन। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आप स्कूल जाते हैं वहाँ पर ऑफिस होता है ना, क्लासरूम होता है, उसके बाद में स्टाफ रूम होता है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी था, है ना। विनय भवन में क्या होता था, तो ये विभाग अध्यापकों के प्रशिक्षण का विभाग था। इसमें बीएड, एमएड एवं शिक्षा शास्त्र शिक्षा की व्यवस्था थी। तो विद्या भवन में क्या था, इसमें बीए, ऑनर्स, एमए एवं पीएचडी आदि की व्यवस्था थी। संगीत भवन में संगीत एवं नृत्य से संबंधित, कला में कला एवं शिल्प का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, है ना, मैट्रिक के पश्चात 4 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं कला से संबंधित पुस्तकालय व संग्रहालय था। इसी तरह चीन भवन, श्री निकेतन, हिंदी भवन और शिल्प सदन। ठीक, अब देखिए गांधी जी के अनुसार क्या कहा गया कि टैगोर राजकोट में शांति निकेतन गए। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझे अपने प्रेम से सराबोर कर दिया। स्वागत में सादगी, प्रेम और कला का सुंदर मिश्रण था। टैगोर की शिक्षा को देन क्या कहा कि टैगोर ने शिक्षा का अर्थ समृद्ध और पूर्ण रूप से लिया है। उनका यह दृष्टिकोण प्लेटो और स्पेंसर से कहीं अधिक व्यापक है, है ना। जीवन की पूर्णता के लिए टैगोर ने जो विधान निर्मित किया है वह भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही जीवन को स्पर्श करता है। उसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों को का समन्वय है। ठीक, ऐसे करके ये क्या है, टैगोर जी के कुछ शिक्षा के मूल्य हैं जो इन्होंने स्थापित किए। तो देखिए ये क्या है कि टैगोर ने शिक्षा में नवीनता एवं मौलिकता को महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप प्रचलित रूढ़िवादों का अंत होकर शिक्षा के मौलिक रूप का सृजन हुआ। टैगोर ने शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और कहा कि शिक्षा केवल शिक्षक द्वारा ही दी जा सकती है। मानवतावादी भावना पर विश्व बंधुत्व और विश्व शिक्षा पर प्रयास करने वाले सर्वप्रथम शिक्षाशास्त्री आज के युग में टैगोर को ही माना जाता है। टैगोर ने फ्रॉबल, पेस्टॉलजी, हर्बर्ट डीवी आदि शिक्षा शास्त्रियों की तरह बड़े बड़े मौलिक और आश्चर्यजनक ढंग से अपने शिक्षा संबंधी विचारों का सफल प्रयोग किया है। ठीक, अब देखिए एक शिक्षा शास्त्री के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। टैगोर के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर HV मुखर्जी ने लिखा कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार एवं प्रयोग बिल्कुल नवीन एवं मौलिक जान पड़ते हैं। यदि भी उनमें से अधिकांश के प्राचीन समय में शिक्षा शास्त्रियों ने किसी न किसी रूप में विकसित कर दिया था और तत्कालीन शिक्षा शास्त्री कम या अधिक मात्रा में उनका प्रयोग कर रहे थे, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग के भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में टैगोर का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। सो ये थी आज की हमारी अच्छी क्लास। कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एक स्वामी विवेकानंद जी की क्लास है, नहीं आप क्लास के रूप में तो आप उसको एक मोटिवेशन के रूप में देखिएगा, नहीं मोटिवेशन के रूप में तो आप ये सोचिएगा कि मैं आज विवेकानंद जी के बारे में जानूंगी या जानूंगा, बस इसलिए देख लीजिएगा। वो क्लास ज़रूर देखिएगा और आपके लिए एक
जरूरी सूचना ये कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और हाँ वैल्यूएबल कमेंट्स करिए, कमेंट्स जरूर किया करिए, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो। मैं अपने आप को ही नहीं बोल रही हूँ, आपको किसी भी यूट्यूबर का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ाई कर रहे हैं आप, वहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करा करिए। क्यों? क्योंकि चाहे मैं हूँ या कोई और हो, है ना, उसके जो कमेंट्स होते हैं, जो लाइक्स होते हैं, वो उसके लिए मान के चलिए बहुत कीमती चीज़ होती है, बहुत प्रीशियस चीज़ होती है। अब मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हाँ कुछ बच्चे रेगुलर हैं जो मोस्टली कमेंट्स करते हैं, जैसे पीयूष हो गए, मीनाक्षी हो गई, फिलहाल जिनका नाम नहीं याद आ रहा वो ये नहीं सोचेंगे कि मैम अरे हमने भी किया था। अभी जल्दी में एक लड़की थी आरुषि, उसने बोला कि मैम LU का सिलेबस बना दीजिए, है ना। कुछ बच्चे CSGM जैसे संजय जी हो गए, बहुत से बच्चे हैं जो जिनका नाम पता है कमेंट्स देख के ही याद हो जाता है। सो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मे बी आपका भी नाम ऐसे ही मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में लूँ। सो थैंक यू एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। ओके।